Hello everyone, welcome back. Yesterday we had done with chapter 5, bird watching, page number 47, and today we will continue with page number 48 of the reader book. So let's start reading. The largest bird in India is the great bustard. इंडिया की सबसे बड़ी बर्ड है ग्रेट बस्टर्ड. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पीकॉक. आई नो यू मस्ट बी नोइंग इट. इंडिया का नेशनल बर्ड क्या होता है? पीकॉक है. हेयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ, मींस इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. द कॉमन क्रो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स. जो कॉमन क्रो होता है, जिसे हम यूजुअली देखते हैं, क्रो इज कौआ, उसे सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक माना जाता है. द टेलर बर्ड एक्चुअली स्यूज टुगेदर लीव्स विद कॉबवेब थ्रेड्स एंड फाइन ग्रास टू बिल्ड इट्स नेस्ट. जो टेलर बर्ड होती है, उसे टेलर बर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे टेलर कपड़े सिलता है, वैसे ही ये जो टेलर बर्ड होती है अपने नेस्ट को कॉब वेब थ्रेड, दैट इज़ जैसे स्पाइडर अपना नेट बनाता है, वैसे ही कॉब वेब बोला जाता है उसे, या पतले घास या तिनके से अपने नेस्ट को सिलती है. द हमिंग बर्ड मेक्स अ हमिंग साउंड by flapping its wings. Hummingbird अपने wings means पंख को flapping means फड़फड़ा कर गुनगुनाने की आवाज़ लाती है. A bird uses its beak for eating, fighting and nest building. एक bird अपनी बीक मींस चोंच को यूज़ करती है ईटिंग, फाइटिंग एंड नेस्ट बिल्डिंग के लिए. वुड यू लाइक टू डिस्कवर सम बर्ड फैक्ट्स टू? क्या आप भी बर्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो? ऑल यू नीड इज अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, अ नोटबुक, पेंसिल एंड lots and lots of patience to take up bird watching as a hobby. Bird watching को अपनी hobby बनाना चाहते हो तो आपको चाहिए binoculars, notebook, pencil and lots of patience. Patience means धीरज. Let me tell you binoculars क्या होते हैं. Binoculars होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें लेंस लगा होता है, और जब हम इससे दूर की चीज़ देखते हैं तो वो हमें पास नज़र आती है. सो आर यू रेडी फॉर इट? तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं?